भारी घुस रकम सहित लहान के तीन इंजीनियर पकड़ाओ, तरह यातायात व्यवसाय संघ के अधिवेशन स्थगित। कांग्रेस और रासपा द्वारा राष्ट्रीय सभा के उम्मीदवार चयन, पायोनियर इलेक्ट्रिक के संचालक सारडा ठगी आरोप में गिरफ्तार। स्कूटर के ठक्कर से भारतीय नागरिक की मृत्यु, आ बगदाद में फिर हवाई हमला, 6 जने मारल गए। नमस्कार, बारा जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com आ हमरो पात्र में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर में स्वागत करता नहीं, हम नूर आलम बादशाह। आप खबर विस्तार में, अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग से करीब 19 लाख रुपया घूस सहित 3 जने के पकड़ाव कैले बा। सड़क डिवीजन कार्यालय लहान के प्रमुख सहित अन्य 2 इंजीनियर 18,96,000 घूस सहित काल साझिया पकड़ाव पड़ल बा। लोग अख्तियार के बर्दीवास कार्यालय प्रमुख नारायण प्रसाद साहब कोटा के अनुसार उ लोग डिवीजन सड़क प्रमुख विनोद शाह, इंजीनियर नवीन कुमार शाह, सब इंजीनियर वीरेंद्र कुमार शाह के साझिया 5:30 से 6 बजे के बीच में घूस सहित रंगे हाथ पकड़ाव कैले बाटे। तीनों जने के लहान स्थित सरकारी निवास से ले चुकल घूस सहित पकड़ल गई आ उ लोग के सड़क निर्माण के खातिर आयल बजट से कमीशन स्वरूप उक्त रकम लिहल खुलल बा। तराई यातायात व्यवसायी संघ के अधिवेशन 15 दिन के खातिर स्थगित भइल बाटे। गणपूरक संख्या ना पुगला के कारण अधिवेशन स्थगित कैल गेल। संघ के अध्यक्ष ओम कृष्ण कार की जानकारी देनी। दूसरका अधिवेशन के खातिर आए वाला माघ 5 गते फेरू बंद सत्र शुरू कैल जाय, अध्यक्ष कार की जानकारी देले बानी। नेपाली कांग्रेस राष्ट्रीय सभा निर्वाचन के खातिर 14 उम्मीदवार के नाम अंत लगैले बा। आज सवेरे पार्टी सभापति शेरबहादुर देवा के बूढ़ा नीलकंठ स्थित निवास में बैठल पदाधिकारी बैठक से उम्मीदवार के नामावली के अंत लगावल प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा जानकारी देनी। 9 माघ में अखाड़ा पद के खातिर रखल निर्वाचन के खातिर कांग्रेस 14 उम्मीदवार के नाम निकल लेबा। कांग्रेस से प्रदेश 6 के 2 उम्मीदवार सांझ तक अंत करके प्रवक्ता शर्मा बतैनी। बाकी 2 सीट के खातिर कांग्रेस समाजवादी पार्टी संगे तालमेल कैले बा। ऐसे ही राष्ट्रीय जनता पार्टी रासपा से प्रदेश 2 के खातिर राष्ट्रीय सभा के उम्मीदवार के अंत लगैले बाटे। आज बैठल रासपा अध्यक्ष मंडल के बैठक से राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन में प्रदेश नंबर 2 से शेखर सिंह आ मिगेंद्र कुमार यादव के उम्मीदवार बनाए के निर्णय कैले बा। राष्ट्रीय सभा निर्वाचन के खातिर सत्तारूढ़ दल नेकपा आ रासपा नेपाल बीच प्रदेश नंबर 2 में तालमेल करके सहमति ऐसे पहले ही हो चुकल बा। प्रदेश 2 के 4 सीट मध्य नेकपा आ रासपा 2-2 सीट भाग बंडा कैले रहे। उपभोक्ता ठगी कैल आरोप में प्रहरी 1 जने के पकड़ाव कैले बा। उपभोक्ता के ठगी कैल आरोप में व्यापारी महेंद्र सारडा पकड़ाव पड़ल। महानगरीय अपराध महाशाखा के टोली से सारडा के थपाथल स्थित कार्यालय से ही पकड़ाव कैल गेल जनैले बा। सारडा मोरंग के टंकी सिनुवारी स्थित पायोनियर इलेक्ट्रिक प्रणाली के संचालक बानी। महाशाखा प्रमुख SSP सहकुल थपा के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स केबुल परिमाण से कम लंबाई रख के सामान बिक्री कैल आरोप में उनका के पकड़ाव कैल गेल बाटे। थापाथल स्थित अधिकृत विक्रेता के कार्यालय में प्रहरी सीलबंदी कैले बा। भक्तपुर में भइल सवारी दुर्घटना में भारतीय नागरिक के मृत्यु भइल बाटे। अरनिकु राजमार्ग अंतर्गत भक्तपुर के सृजना नगर में नरेंद्र पाल के 92/34/09 नंबर के स्कूटर ठक्कर दिल रहे। पाल भारतीय नंबर प्लेट के कंटेनर के सहचालक बनी। NL01AD5918 नंबर के कंटेक्टर बैक करे के क्रम में पाल गाड़ी से गिर के शब्द मांगल रहे। वही बिरिया स्कूटर से ठक्कर दिहल आ इवामुरा मेमोरियल अस्पताल में इलाज के क्रम में मृत्यु भइल। महानगरीय प्रहरी वृत्ति भक्तपुर जनैले बा। स्कूटर चालक के भक्तपुर सौर विनायक नगरपालिका 9 नलिंग चौक के बसंत देवी के प्रहरी नियंत्रण में ले लेबा। बारह के सीमावर्ती क्षेत्र मटियरवा 10 गज सीमाना क्षेत्र के अतिक्रमण घर चाहरा सब हटावल गेल बाटे। सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा बल मटियरवा प्रहरी चौकी मटियरवा भारतीय सीमा सुरक्षा के विशेष उपस्थिति में 10 गज अतिक्रमण करके घर चाहरा सब बनावल गेल, उस सबके हटावल गेल बाटे। BOP मटियरवा के सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मण जोशी बतैनी। मानवत मटियरवा सड़क खंड के 10 गज सीमाना के मटियरवा बाजार से पकड़ी घाट तक दयाहीना बाया में बनावल घर टहरा सब हटावल गेल बा। 10 गजा क्षेत्र में अतिक्रमण करके बनावल गेल घर टहरा सब हटैला बाद सड़क विस्तार के काम आसान भइल। कलैया महानगरपालिका के वार्ड नंबर 10 के वार्ड अध्यक्ष शंकर गुप्ता बतैनी।
बादल खबर में अभी खातिर समय भल बाटे कुछ व्यापारिक विश्राम के। बॉर्डर के आवाज रेडियो बादल 89.5 मेगाहर्ट्ज़ सिमरौनगढ़ 12। खुश खबरी, नए गायक गायिकाओं के लिए सुनहरा मौका, जिसके आवाज में होगा दम उसे 100% मौका देंगे हम। के फंसा के अपना काम कर लोगी, नाम जोड़ के हमसे अपना नाम कर लोगी, बाद में तुम मुझको बदनाम कर दोगी। वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी म्यूजिक कंपनी से गाने का सुनहरा मौका, नए गायक गायिकाएं अपनी आवाज में कोई भी भोजपुरी सॉन्ग गाकर व्हाट्सएप नंबर 7780 54 824 पे जल्द से जल्द व्हाट्सएप करें। यह मौका सीमित समय के लिए। आपके सपने जो अब तक हैं अधूरे वो अब होंगे पूरे। व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर से 7780 54 824 पे अपनी रिकॉर्डिंग वॉइस भेजें। धन्यवाद। मैया के चुनरी ओढ़ाओ रे, हरी हरी चूड़ी चढ़ाओ रे, माई के आरती उतारो रे। इतना सवेरे सवेरे कहाँ जाता रू? बैंक में खाता न खोले के बा वही खातिर कलैया जाता नहीं। खाता खोले खातिर अब कलैया गैला के कोनो जरूरी नहीं खे। हाँ, कैसे जरूरी नहीं खे, इन्हें लग में कोनो बैंक बा जे खाता खुली। बानू, अपने पचरौता बेनौली में एनएमई बैंक आनु गैल बा, जहाँ फ्री में लोग खाता खोलवा रहल बा। हमनी तो ओतहा खाता खोल चुकल बानी, अब कलैया गैला के झंझट छोड़ आ जाके ओतहा तू भी खाता खोल। जी हाँ, नेपाली बैंकिंग क्षेत्र में एक सफल बैंक एनएमबी बैंक के शाखा अब अपने के नजदीक पचरौता बेनौली में आ गई बा। ग्राहक के इच्छा अनुसार के सुलभ आ स्तरीय सेवा देत आ रहल सुविधा संपन्न ई एनएमबी बैंक में विदेश से डायरेक्ट खाता में पैसा आ जाए, पैसा निकाले में तनको झंझट नहीं खे। अच्छा ब्याज दर आ रेमिटांस के सुविधा, पैसा डाले के आ निकाले में बिल्कुल आसान बा। साथे अन्य बैंकिंग सुविधा भी उपलब्ध बाटे। ग्राहक प्रति पूर्ण रूप में समर्पित एनएमबी बैंक पचरौता बेनौली में आज हुए खाता खोली अपन इच्छा अनुसार के सेवा प्राप्त करी। विशेष जानकारी खातिर एनएमबी बैंक पचरौता बेनौली में जाके संपर्क करी। एनएमबी बैंक समृद्ध नेपाल के खातिर। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। अब हमनी के सिमरौनगढ़ नगर पालिका में रहल सिमरौनगढ़ स्वास्थ्य चौकी में एमबीबीएस डॉक्टर के द्वारा निःशुल्क इलाज हो रहल बा। जैसे संपूर्ण बीमारी के इलाज के साथ साथ परिवार नियोजन सेवा, गर्भवती चेक जांच और नेपाल सरकार द्वारा संचालित संपूर्ण कार्यक्रम दक्ष स्वास्थ्य कर्मी द्वारा संचालन हो रहल बा। साथ ही यहाँ खून, दिशा, पेशाब के चेक जाँच के खातिर लैब के भी व्यवस्था कल गेल बा। ऐसे संपूर्ण नगर वासी लोग से अनुरोध कल जाता कि सेवा के मौका लेके फायदा उठावल जाओ। याद रखी, यह महीना के बाद से रेबीज के सुई भी इन्हें लगावल जाए। सिमरौनगढ़ स्वास्थ्य चौकी, संपूर्ण परिवार, सिमरौनगढ़ नगर पालिका 12। विशेष जानकारी खातिर मनु यादव, संपर्क मोबाइल नंबर 9844455154। बॉर्डर के आवाज रेडियो बादल 89.5 मेगाहर्ट्ज़ सिमरौनगढ़ 12। विश्राम के बाद बादल खबर में फिर से स्वागत बाटे। अब बाकी के खबर। विभिन्न मुद्दा में कैद आ जरिवाना के खातिर फरार रहल प्रतिवादी के 12 प्रहरी पकड़ाव कैले बा। जिला अदालत 12 के फैसला आदेश से 12 प्रहरी बारागढ़ी गांव पालिका 6 निवासी भंटू कहल जाए वाला चुल्हाई प्रसाद यादव के गांव घर में लुका छिपा के रहल अवस्था में पूछ 17 गते पकड़ाव कैल गेल बा। कुटपीट मुद्दा में कैद आ जरिवाना 9 महीना 15 दिन कैद आ जरिवाना 4,750 रुपये के खातिर भंटू फरार रहल रहनी। पकड़ाव पड़ल यादव के जिला अदालत 12 में प्रस्तुत कैल गेला में अदालत के आदेश से बिरगंज कारागार चालान कैल गेल। 12 के प्रहरी प्रवक्ता गौतम मिश्र बतैनी। ऐसा ही सार्वजनिक मुद्दा में जरिवाना ₹5,000 के खातिर फरार रहल महागढ़ी माई 11 गंज भवानीपुर निवासी राजकुमार यादव के 12 प्रहरी पकड़ाव कैल गेल आ वहाँ के जरिवाना रकम दाखिला करके छुटल जिला प्रहरी कार्यालय 12 जनैले बा। ईरान के उच्च सैन्य कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी मारल गए कुछ घंटा बाद ही बगदाद में फेरू दोसर हवाई आक्रमण भइल बाटे। आक्रमण में 6 जने मारल गए बाटे, 1 जने गंभीर घायल भइल बानी। ईरान समर्थित सिया
मिलिशिया के लक्षित करत कैंप ताजी नजी के आक्रमण भइल बाटे। समाचार संस्था रॉयटर्स के अनुसार 6 गो लाश जरल अवस्था में मिलल बा। वहाँ रहल 3 सवारी साधन मध्य 2 जर के जरल बतावल गेल बा। ईरान के उच्च सैन्य कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी मारल गए कुछ घंटा बाद ही पुनः इराक में दोसर आक्रमण भइल बाटे। दूसरका आक्रमण बारे अभी अमेरिका अभी तक कोनो प्रतिक्रिया सुनैले नहीं है। अब मौसम संबंधी जानकारी। रेडियो बादल 89 मेगाहर्ज द्वारा मापन कैल गए अनुसार सिमरनगढ़ लगात आसपास के क्षेत्र के भी के न्यूनतम तापक्रम 15 डिग्री सेल्सियस रहल बा। ऐसे आज सवेरे 15 दोपहर 21 डिग्री सेल्सियस रहल रहे, आज रात में 14 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे के अनुमान कैल गए बाटे। ऐसे आज सवेरे 6:54 में बेर उगल रहे तो साँझे 5:25 में बेर डूबल बा। आज के खातिर बादल खबर इतने, जाते जाते प्रमुख खबर एक बार फिर से। भारी घूस रकम सहित लहान से 3 इंजीनियर पकड़ाओ, तराई यातायात व्यवसाय संघ के अधिवेशन स्थगित। कांग्रेस रासपा द्वारा राष्ट्रीय सभा के उम्मीदवार चयन, पायनियर इलेक्ट्रिक के संचालक सारडा ठगी आरोप में गिरफ्तार। स्कूटर के ठक्कर से भारतीय नागरिक की मृत्यु, हुआ बगदाद में फिर हवाई हमला, 6 जने मारल गए। 12 जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com हमारे पात्रों में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सईद, हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।